आज की वीडियो में हम मिलने वाले हैं हमारे न्यू स्टूडेंट से जो कि डायरेक्ट एडमिशन लेकर के इंडिया से आ रहे हैं आज सिंगापुर आफ्टर ऑल द प्रोसेस. सो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी डिटेल्स. सो मैनी पीपल कॉन्टेक्ट्स मी ऑन इंस्टाग्राम एंड दे आस्क मी दैट दे आर प्लानिंग टू कम टू सिंगापुर एंड लेट मी टेल यू द ट्रुथ आई मेक देयर प्लान फॉल्स एंड आई से टू नॉट कम टू सिंगापुर रेगुलरली टू डेली आई टेल यू 2-3% आई एम जस्ट कैंसलिंग देयर प्लान डेली. मैं आपको बताऊँ 3-4 लोगों के प्लान कैंसिल करवाता हूँ सिंगापुर जो आने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एक चीज़ आप नोट कर लो, सिंगापुर सबके लिए नहीं है. हेलो गाइज, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर. कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे. मी टू वेल हियर. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी रिमाइंड यू, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब लाइक एंड यू कैन कमेंट व्हाट यू वांट टू नो मोर अबाउट सिंगापुर. आई कैन ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट. सो आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा एक न्यू स्टूडेंट जो सिंगापुर आ जा रहे हैं इंडिया से आफ्टर ऑल द प्रोसेसेस डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू. सो आपको देखने को मिलेगा आगे कि उन्होंने कैसे कांटेक्ट किया और कैसे उन्होंने प्लान बनाया सिंगापुर आने के लिए, कहाँ से हैं वो इंडिया में, क्या उनकी प्रोसेस हुई, कितने टाइम में उनका वीज़ा आया, क्या कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर था और सारी चीज़ें. सो स्टूडेंट का नाम है आकाश और आकाश इंडिया में यूपी से हैं, सहारनपुर. एंड आकाश ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था सभी की तरह इंस्टाग्राम पर आफ्टर वॉचिंग वीडियोज़. काफ़ी टाइम से वो वीडियोस देख रहे थे और उन्हें काफ़ी हेल्पफुल लगी और उन्होंने फिर मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट किया एंड उन्होंने मुझे बताया कि वो सिंगापुर आने के बारे में प्लान कर रहे हैं. मेरे पास आने से पहले एज़ यूजुअल जो सभी स्टूडेंट्स के पास साथ होता है, पहले वो एजेंट्स के थ्रू कोशिश कर रहे थे बात करने के लिए, लेकिन उन्हें खर्चा उन्हें बताया जा रहा था फॉर सिंगापुर के लिए जो कि बहुत ज़्यादा है. और उसके बाद वो उन्हें मेरी वीडियो देखने को मिली. सो उन्होंने सारी वीडियोस देखी और उन्होंने सारी चीज़ें समझी तो उन्हें पता चला कि इतने एक्सपेंसेस नहीं होते हैं सिंगापुर के और सारी डिटेल्स. और उसके बाद उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किया फॉर एडमिशन इंक्वायरी. सो मैंने उनसे बात करी एंड हमेशा कोई भी जो भी इंटरेस्टेड है और जो इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट करता है, पहले मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि उनसे उनका रीज़न जान लूँ कि वो क्यों आना चाह रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस बनता है सिंगापुर में वो रिलेट कर सकता है कि उनका आना सिंगापुर में सही होगा या नहीं. तो उनके जो भी रीज़न्स थे उनसे 2-3 दिन मेरी बात हुई, कॉल्स पे उनसे बात करी, उनका बैकग्राउंड मैंने समझने की कोशिश करी और क्या उनका सिंगापुर आना सही रहेगा या नहीं, ये मैंने अपने साइड से कंफर्म करने की कोशिश करी. एंड जब उनसे बात करी तो जो चीज़ें सामने निकल के आईं, उनका सिंगापुर आना बनता था. एंड सो इन सब डिस्कशन के बाद उनकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी एंड सिर्फ 20 डेज़ में उनका वीज़ा आ गया था. सो ही वॉज़ वेरी लकी कि 20 डेज़ में उनकी सारी प्रोसेस हो गई थी. सो आफ्टर ऑल द प्रोसेस मैंने उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए और जो भी प्रोसेस करी, फाइनली आज वो आ रहे हैं. और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आप जब आपका वीज़ा आ गया है और सिंगापुर में आपकी जब भी क्लास स्टार्ट हो रही है उससे 20-25 डेज़ आप पहले ही सिंगापुर आ जाओ. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप पहले से आ जाएंगे तो आपको सिंगापुर में सेट होने के लिए टाइम मिल जाएगा. आप उस टाइम में जॉब फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एक बार क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आप बिज़ी हो जाएंगे. तो पहले से आओ, क्लास की कोई टेंशन नहीं है, आराम से घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो सिंगापुर एंड आप उस टाइम तक अपने लिए एक जॉब फाइंड कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है. आप अपने फ्लैट पर सेट हो सकते हैं या न्यू रूम अगर आप सोच रहे हैं तो न्यू रूम फाइंड कर सकते हैं. आपके कॉलेज में भी जो इनिशियल प्रोसेस होती है जो मेडिकल एंड स्टूडेंट पास होता है, वो भी आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. तो ये सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ के लिए आप थोड़ा जल्दी आइए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ जो एजेंट्स के थ्रू आते हैं, जैसे उनकी कल क्लास है वो आज आ रहे हैं या 2 दिन पहले आ रहे हैं. दिस इज़ नॉट आइडियल थिंग टू डू
क्योंकि आप जितना लेट आएंगे आपकी उतनी हौच पौच स्टार्टिंग में होगी, उतना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सारी चीज़ें प्लान करके आइए, स्मूथ आपकी चीज़ें जानी चाहिए। एंड ऑल्सो इमिग्रेशन, जो भी स्टूडेंट मेरे थ्रू एडमिशन लेता है, आई मेक श्योर कि मैं उनको सारी चीज़ें पहले से ही ब्रीफ करूँ। सो मेरे किसी भी स्टूडेंट को आज तक इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं गई है, सबका स्मूथली इमिग्रेशन गया है, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। और जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं जो एजेंट्स के थ्रू आते हैं, एजेंट का काम होता है जस्ट वीज़ा निकलवा लेना, उसके बाद उससे स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। ना तो वो एकोमोडेशन में हेल्प करते हैं और ना तो वो इमिग्रेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल देते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है इमिग्रेशन से डिपोर्ट, क्योंकि उन्हें इमिग्रेशन के बारे में आइडिया नहीं होता है। उन्हें नहीं पता होता कि हमें अगर हमसे एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा तो हमें क्या एड्रेस बताना है, क्या बताना है कि हम कहाँ रहेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सिर्फ वीज़ा आ जाने से कुछ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आप आने से पहले प्लान करिए, और बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से रिसर्च करें एंड आप प्रिसाइसली डिसीजन लें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं उनमें से इंस्टाग्राम पे जो मुझसे इंक्वायरी करते हैं, डेली मैं 3-4 लोगों के प्लान कैंसिल करा देता हूं कि आप सिंगापुर मत आओ, आपके लिए सिंगापुर आना सही नहीं रहेगा। सिर्फ वो लोग जिनका उनकी जो अभी कंडीशंस और सिचुएशंस हैं जो उनके लिए सही रहेंगी सिंगापुर आने के लिए, सिर्फ उन्हीं लोगों को रेकमेंड करता हूँ सिंगापुर आने के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप भी सिंगापुर आने के बारे में सोच रहे हैं तो डू योर ओन रिसर्च, ठीक है। तो आज आगे वीडियो में आकाश आने वाले हैं, तो आज हम उन्हें जाएंगे एयरपोर्ट पिकअप करने एंड उनके लिए जो फ्लैट वगैरह अरेंज किया हुआ है उस फ्लैट पे उन्हें छोड़ेंगे, और इनिशियली में जो भी शुरुआत में उनको सपोर्ट चाहिए वो सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। सो आगे चलते हैं आकाश को लेने एंड मिलते हैं आकाश से। तो मिल लीजिए भाई, ये हैं हमारे दोस्त आकाश जो कि आ चुके हैं सिंगापुर। सबसे पहले भाई वेलकम टू सिंगापुर, और कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है सिंगापुर? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई रास्ते में? आपने बहुत अच्छा काम करवाया, चलो बढ़िया है। तो अब हम आकाश से पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस प्रोसेस के बारे में, चैनल के बारे में, उन्होंने हमसे कैसे कॉन्टेक्ट किया, और सबसे बड़ी बात इमिग्रेशन पे उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि ये दिल्ली इमिग्रेशन भी क्रॉस करके आए हैं और सिंगापुर, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले भाई आप मुझे बताओ कि चैनल के बारे में आप क्या बोलोगे? आपने चैनल सबसे ये बोलना चाहेगा भाई, सबसे ये बढ़िया है, इनसे बेहतर काम करवाओ, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सबसे सस्ता है, और एजेंट फंसा देते हैं भैया, सब काम सही करवाते हैं और कोई दिक्कत नहीं आने देते। अच्छा, तो आप मेरे से कांटेक्ट करने से पहले शायद एजेंट के पास भी गए थे ना? एजेंट के पास गया था। अच्छा, तो आपको फ़ीस में कुछ फ़र्क लगा? फीस में फ़र्क लगा है, 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये का एजेंट से फ़र्क लगा है। अच्छा, चैनल के बारे में क्या बोलोगे? आप जो वीडियोस देखते थे क्या वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी? क्योंकि मैं आपसे फीडबैक लेना चाहता हूँ। बहुत कुछ अच्छी वीडियो थी, सब कुछ बढ़िया था, उनके द्वारा ही आज मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ उन्हें देखने के बाद। ओके, मैं हमेशा स्टूडेंट से फीडबैक लेना चाहता हूँ जिससे कि मुझे समझ में आए कि मैं जो डिटेल्स दे रहा हूँ क्या वो हेल्पफुल हैं, या मैं उसमें क्या सुधार कर सकता हूँ जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले। अच्छा, दूसरी चीज़ भाई हम आपसे पूछेंगे कि प्रोसेस के बारे में क्या कहोगे, प्रोसेस कैसी थी आपकी पूरी एडमिशन? 20 डेज में वीज़ा आ गया था। 20 डेज में वीज़ा आ गया, मुझे भी याद नहीं था कि कितने दिन में वीज़ा आ गया। ओके, आकाश का हमने एडमिशन करवाया है एसेंसस कॉलेज में, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बहुत सारी खासियत हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो उसी कॉलेज में आकाश का भी एडमिशन हुआ है, और आप क्लास स्टार्ट होने के कितने दिन पहले आ गए हो? 20 डेज पहले। 20 डेज पहले आ गए हैं, आराम से आ गए, कोई इशू नहीं गया है। इमिग्रेशन के बारे में, अब इमिग्रेशन के बारे में मैं ऑलरेडी जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको पूरा डिटेल में समझाता हूँ, क्या कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं तो वो रेडी होते हैं, तो पूछते हैं क्या पूछा है। आप वीडियो देखो भैया की, और कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, आपसे जो मैंने वीडियो में बताया क्या वही पूछा है, वही क्वेश्चन पूछे, आपको कोई दिक्कत नहीं गई? कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी है एजेंट से, स्पेशली जो बच्चे फाइल लगवाते हैं उनका काम है जस्ट वीज़ा निकलवा लेना, वीज़ा आने के बाद वो ध्यान नहीं देते, और इसी कारण से बच्चे बहुत सारे इमिग्रेशन से डिपोर्ट हो जाते हैं। वीज़ा जाना मतलब सब कुछ नहीं हो जाता, इमिग्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्लियर? बहुत वही है, मेन चीज़ वही है, आने का कोई वो नहीं होता अगर यहाँ से वापसी जाते हैं। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे डिपोर्ट हो जाते हैं, तो मेक श्योर करो कि आप इमिग्रेशन की अच्छे से तैयारी करो, और सारे बच्चे इमिग्रेशन क्वेश्चन के बारे में आपको ज़रूर नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो आप खुद से रिसर्च करके आइए। जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं आज तक, किसी को भी मेरे स्टूडेंट्स को इमिग्रेशन में दिक्कत नहीं गई है, बहुत स्मूथली उनका क्रॉस हो जाता है इमिग्रेशन, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। तो ये थे आकाश भाई, अब ज़्यादा क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे क्योंकि अभी अभी आए हैं, अब इन्हें फ्लैट पे लेके जाएंगे, और फिर जब भी फ्री टाइम होगा तब मिलेंगे आकाश से।
और आकाश से जाते टाइम बोलेंगे हम इन्हें ऑल द बेस्ट विश करेंगे कि भाई सिंगापुर में आप जो भी अपने मोटिव और जो ड्रीम लेके आए हो वो पूरे हों। हमारी गाइडेंस आपके साथ है, ऑल द बेस्ट।